फ्रेंड्स आप पेज नंबर 37 ओपन करिए ओके अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में। देखिए बच्चों ये एक टेबल बनी हुई है ठीक, और ये आप टेबल देख पा रहे होंगे, ये एक टेबल बनी हुई है इस तरीके से, डायग्राम दिए हुए कुछ है ना, फिगर दिए हैं और ये टाइप दिए हुए, और देखिए ऊपर इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है, कह रहा मैच द फॉलोइंग और ब्रैकेट में लिखा है कॉशन, अ फिगर मे मैच टू मोर देन वन टाइप। एक फिगर एक से ज्यादा टाइप से मैच कर सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं इसके पहले का पोर्शन। आपने इंट्रोडक्शन तो जरूर देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में इसके पहले एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं वहां पे हमें बताया गया था बच्चों प्लेन कर्व के बारे में। तो प्लेन कर्व क्या होता है ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, फिर से सुन लीजिए प्लेन कर्व क्या होता है। देखिए एक प्लेन में, ये प्लेन है जैसे व्हाइट बोर्ड का, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन करोगे ठीक है ना, तो इसको प्लेन कर्व बोलेंगे। और प्लेन कर्व ही आपके क्या होते हैं, सिंपल कर्व ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सिंपल कर्व या प्लेन कर्व में क्या खासियत होती है, इसमें यह खासियत होती है बच्चों कि आप जब ऐसे पेंसिल चला रहे होते तो एक पॉइंट से एक ही बार आप पास करते हो, जैसे ये बहुत सारे पॉइंट है ना, तो हर एक पॉइंट से एक ही बार आप पास होते हो, कोई भी पॉइंट रिट्रेस नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब समझो, अगर ये देखिए बच्चों आप इस तरीके से, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट है ना, और ये देखिए ये आप इस तरीके से जा रहे हो तो ये वाला जो पॉइंट है, लेट अस से पॉइंट ए है ना, ये वाले पॉइंट्स आप एक बार पास हुए, ये देखो यहां से आ रहे हो एक बार पास किया और यहां से घूम किया तो फिर से पास किया ठीक। तो ये आपका सिंपल कर्व का एग्जांपल नहीं है, ये आपका सिंपल कर्व का एग्जांपल नहीं, मतलब आप ये समझो बस इस तरीके से अगर आपको कोई भी पोर्शन कट करते हुए रिपीट होता हुआ नजर आए, बात समझ रहे ना, ये ऐसे इस तरीके से, ये देखो जरा ठीक। तो ये आपका सिंपल कर्व का एग्जांपल नहीं है ठीक है ना। अच्छा अब कुछ बातें और बता देता हूँ। देखो सिंपल कर्व जो होते हैं वो ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं ठीक है ना। सिंपल कर्व, ये प्लेन कर्व को इन्होंने सिंपल कर्व बोला है बच्चों यहाँ पर ठीक। सिंपल कर्व जो होते हैं वो आपके क्लोज भी हो सकते हैं और ये आपके ओपन भी हो सकते हैं ठीक है। अब ओपन कैसे होंगे बच्चों सिंपल कर्व, देखो यहाँ से चले हम बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया और ये अब देखो ये इधर से ओपन है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो एंडिंग वाला पॉइंट है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट ए है, एंडिंग वाला पॉइंट बी, ए और बी कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, कोइंसाइड नहीं करने का मतलब है एक के ऊपर एक नहीं आ रहे हैं ठीक है ना। अब यहां पे देखो क्लोज कर्व में क्या किया, ए से चले, ये ए पॉइंट से चले, ऐसे घूम के वापस ए पे आ गए, तो ये देखिए क्लोज हो गया ये। और ये सिंपल कर्व है क्योंकि कोई भी पॉइंट यहां पर कुछ इस तरीके से कटता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है इस तरीके से ठीक है ना, तो ये सिंपल कर्व ही है। और देखो जरा क्लोज कर्व में क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से चले पॉइंट ए से और घूम के वापस आ गए, तो ये देखिए सर्कल बन गया तो ये क्लोज कर्व है। लेकिन अगर हम यहाँ से चले होते इस तरीके से और ओपन होता है, इधर से खुला होता है, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कोइंसाइड नहीं करता, तो ये ओपन हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि कौन सा फिगर कौन सी बात से मैच करता है ठीक है। चलिए इस फिगर को देखो बच्चों, ये तो मुझे कैसा लग रहा है, ओपन लग रहा है, सिंपल तो है, हाँ सिंपल तो है। क्यों सर, देखो यहां से चले होगे सारे पॉइंट ये मैच करे, कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं कर रहा है, ये देखिए ये कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं कर रहा है ठीक है ना। तो ये सिंपल कर्व है और ओपन है, जाके चेक करो सिंपल कर्व और जो ओपन हो, मीन्स नॉट क्लोज, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज ठीक। तो सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज ठीक है, इसमें कौन कौन सा डायग्राम आ जाएगा, यहाँ छोटा छोटा बना दे रहा हूँ समझ जाना ठीक, यहाँ ब्रैकेट में बना रहा हूँ। तो ये वाला जो है ये इसकी इस कैटेगरी में आ जाएगा, सिंपल कर्व है, चेक कर लो बच्चों सिंपल है एंड नॉट क्लोज, क्लोज नहीं है, बात समझ गए। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला देखो, ये सिंपल तो है नहीं, ये सिंपल नहीं है, क्लोज तो है, क्लोज तो है, चेक कर लो क्लोज तो है, लेकिन जब हम यहाँ से आ रहे होंगे इस तरीके से, ये वाले पॉइंट को देखो, लेट अस से दिस पॉइंट इज पी, तो ये रिपीट करेगा ये ऐसे। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, क्या पता ये थ्री डायमेंशनल फिगर हो, तो ये सिंपल कर्व में नहीं आएगा, क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं है ओके। तो ध्यान से चेक करो, सबसे पहले तो नॉट अ सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व नहीं है, यानी कि यहां पर बनेगा ये वाला ठीक, ये इस तरीके से, क्योंकि इसने हमें बोला है ना, क्वेश्चन आप पढ़िए अपनी बुक में, कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ फिगर में मैच टू मोर देन वन टाइप ठीक है, कोई फिगर एक से ज्यादा टाइप में भी लाइक कर सकता है ठीक है ना, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। तो समझ गए ना, ये छोटा छोटा बना रहा हूं मैं, नॉट अ सिंपल कर्व में ये वाला आ जाएगा ठीक, सिंपल नहीं है ये पहचान गया मैं। अब कहीं क्या ऑप्शन दिया है कि क्लोज है लेकिन सिंपल नहीं है, क्लोज तो है सिंपल नहीं है, ये देखो अ क्लोज कर्व, क्लोज तो है ये, नॉट सिंपल, सिंपल नहीं है, तो इस कैटेगरी में भी ये वाला आपका आ जाएगा, क्लोज तो है सिंपल नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट रिपीट कर रहा है, रिट्रेसिंग करने में, पॉइंट्स को रिट्रेसिंग करने में ये वाला पॉइंट रिपीट कर रहा है ठीक।
ओके okay. अब ये देखो सर्कल है बेचारा, अभी मैंने आपको बताया था सर्कल क्या होता है, सिंपल कर्व है, क्लोज है, सिंपल है बेचारा, क्लोज है, क्यों? मान लो हम पॉइंट ए से चल रहे हैं यहां से और घूम के वापस ए पे आ गए, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कोइंसाइड कर गए, ठीक है, तो सिंपल भी बेचारा ये और क्लोज भी है। तो चेक करो बच्चों, सिंपल क्लोज कर्व में आ जाएगा आपके पास क्या, सर्कल, ये देखिए, ठीक। तो यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ऐसे ब्रैकेट का मतलब आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ब्रैकेट में ये ब्रैकेट लगा के रखे हैं ऐसे, किसके आंसर हम ब्रैकेट के अंदर लिख दिया करेंगे, ठीक। अच्छा, और सर्कल किसी से मैच करेगा? नॉट अ सिंपल कर्व से मैच करेगा? नहीं, सर्कल तो सिंपल कर्व है, नॉट अ सिंपल मतलब सिंपल नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो सर्कल इसमें नहीं आ सकता है। उसके बाद सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, ये सिंपल तो है लेकिन उसने क्या बोला, दैट इज नॉट क्लोज, जो क्लोज ना हो उसको रखना है, जैसे कि ये वाला था, तो सर्कल तो क्लोज है, ठीक। उसके बाद बच्चों क्या यहां आ सकता है सर्कल? चेक करो, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, सर्कल क्लोज तो है लेकिन उसने बोला जो क्लोज कर्व हो और नॉट सिंपल हो उसको इसमें रखना है, लेकिन बट हमारा ये क्लोज है लेकिन सिंपल है, ठीक, तो ये फर्स्ट वाले में ही जाएगा, ठीक। उसके बाद बच्चों लास्ट वाला देखिए, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला क्लोज तो है सिंपल नहीं है, चेक कर लो, ये वाला बच्चों, ये देखो जब हम इसको रिट्रेस करेंगे, बहुत सारे पॉइंट को मिलाया 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 हमने, ये वाला पॉइंट देखिए रिपीट कर गया होगा, ठीक है ना, तो ये सिंपल कर्व ही नहीं है, ठीक है, क्लोज तो है, क्लोज तो है, कहीं से ओपन नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ये ऐसा कहीं से ओपन नहीं है, चेक करो, ये देखिए ये ऐसे आए है ना, ये कहीं से ऐसे ओपन नहीं है, ये खुला हुआ नहीं है ऐसे कहीं से, ठीक है बच्चों, तो ये मतलब ऐसा खुला नहीं है कहीं से, ठीक है ना, समझ गया हो गया, तो ये जो आपका कर्व है, ठीक, ये वाला क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है रिट्रेसिंग में रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम कहाँ फिट कर सकते हैं, नॉट अ सिंपल कर्व में फिट हो सकता है? यस सर, सिंपल नहीं है इसमें फिट हो सकता है, लो, और कहाँ फिट हो सकता है, क्या ये सी ऑप्शन में फिट हो सकता है, सिंपल कर्व? नहीं, ये सिंपल ही नहीं है, ये सिंपल नहीं है बेटा, ये सिंपल नहीं है, तो इसने बोला है सी वाले में सिंपल वाला फिट होगा, नहीं नहीं जा सकता, ये सी में नहीं जाएगा, ठीक। उसके बाद अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, तो क्लोज कर्व होना चाहिए, क्या ये क्लोज है? यस सर, दैट इज नॉट सिंपल, जो सिंपल नहीं हो, यस ये सिंपल भी नहीं है और क्लोज है, क्लोज होना चाहिए नॉट सिंपल, तो क्लोज है और सिंपल नहीं है, तो ये यहां पे आ जाएगा इस तरीके से, ये लीजिए इस तरीके से। उसके बाद और कहीं जा सकता है ये? क्या ये ए में जा सकता है, सिंपल क्लोज कर्व में जा सकता है ये? नहीं। ओके, तो इस तरीके से देखा आपने, ये दोनों फिगर इससे मैच करेंगे, ये अकेला इससे मैच करेगा, ये दोनों फिर से नॉट अ सिंपल है, और सर्कल बेचारा अकेला ऑप्शन ए से मैच करेगा, क्योंकि ये सिंपल क्लोज कर्व है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, प्लीज नोट कर लीजिए, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये देखो इससे मैच कर रहा है, और ये दोनों फिगर इससे मैच कर रहे हैं, और ये दोनों फिगर इससे मैच कर रहे हैं, और ये दोनों फिगर इससे मैच कर रहे हैं। ओके, नोट कर लीजिए।